मदीना नगर धोबी घाट बोल के हमारा एरिया है, उसके अंदर जैसे बीबी लॉक बोल के आता मुमताज होटल है तलाब कट्टे पे, ये नवाज फर्नीचर से ऊपर आने के बाद में मुमताज होटल है, उसके नीचे डॉन जैसे उसको बीबी लॉक बोलते, वहाँ पर जैसे डॉक्टर नईम साहब का हॉस्पिटल है, वहाँ पर जैसे मेरे छोटे भाई हॉस्पिटल को गए थे, मेरे भौनी के छोटे भाई है और इनके सब में छोटे भाई है हॉस्पिटल को गए थे तो वहाँ पर जैसे रोड जमघटा हो रहा, लोग आके बैठते आते जाते, हम भी देखते बस्ती के थे, हम भी सर आते जाते हमारे क्या करना है, हम कभी भी नहीं बोलते, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा था, हमारा छोटा भाई हॉस्पिटल भी आता, वो लड़ाई झगड़ा हुआ था आवाज़ हम पुकारे तो सब जने निकल के देखो, उसमें हमारा भाई भी निकल के देखा रहे, तो हमारा भाई जो बीच में छुड़ाने के लिए गया तो उन्हें निकाल के चाकू मार दिया, मेरे भाई का नाम मोहम्मद यूनुस है और जो मारने वाले का नाम जो अफजल है सुनने में आ रहा, हमको तो नहीं मालूम, हम उसको जानते पहचानते भी नहीं, और मेरे भाई का नाम यूसुफ है और तकरीबन बहुत ज़्यादा मार लग गया, खुद भी बहुत ज़्यादा मार लग गया, एक जो बगल में लगा और एक जो चेस्ट के नीचे लगा, तकरीबन मैं समझता हूँ 60-70 ताके लगी है उसको, और जो लॉकडाउन है बढ़ रही पुलिस टेंट करी बढ़ रही क्या टेंट करी पुलिस, उन्हें हथियार लेके फिर रहा था, अगर पुलिस इतना अटेंड करती तो उसके बाद पहली बार हथियार नहीं रहता था, हथियार रहने के बाद फिर पब्लिक रह रही, फिर इतना बड़ा हमला हो गया, इसके जिम्मेदार कौन है भाई, कौन है इसके जिम्मेदार, मैं मीडिया से पूछना चाह रहा हूँ, सवाल करो मीडिया से, जिम्मेदार कौन है, हुकूमत और पुलिस से क्या चाह रहे हैं, हुकूमत से क्या चाहते हैं, सब जिन्हें हम भी वही चाह रहे हैं, बोलिए सख्ती से पेश आए और ये जो भी मतलब ये जो भी मेरे भाई को मारा या जो भी वजह है इसकी पूरी जाँच करे, मालूम करे और जो उसको सख्त से सख्त सजा हो, आपस में दुश्मन तो नहीं थी ना, नहीं 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 मेरे भाई से कुछ भी दुश्मनी नहीं है और मेरा मोहल्ले के भी है, बस्ती में भी आके दरिया कर सकते हैं आप लोग, क्या काम करते हैं आपके भाई, मेरे भाई पढ़ते अब स्टूडेंट हैं जी, क्या उम्र है भाई, कुछ काम तो नहीं करते, एज क्या है, 24 ईयर्स उनकी एज है, और कुछ सवाल है आप लोग, यूनुस है, कौन सा एरिया पी एस एरिया पी एस बोलिए, एरिया पी एस रेनबदा रहा, रेनबदा लिमिट आती और जो बोला ना मैं बी ब्लॉक बोलते डॉक्टर नीम साहब का हॉस्पिटल है, सामने उसके मंदिर है वहाँ पर ये हादसा पेशा, और इसमें हमारे भाई का कुछ भी अमल दखल नहीं है ना, हमारा अमल दखल, हम भी घर में थे लॉकडाउन की वजह से कुछ भी काम नहीं आने, सुकून से हम हमारे इतमान से घर में थे, हमारे कई फोन आने का मैं तो सो भी गया था, किसका हम जानते ही नहीं, नहीं जिसको जो हमारे जी उनके उनसे कुछ रिलेशन है क्या, नहीं नहीं कुछ भी रिलेशन नहीं है, बस्ती का है 100% है, फिर नहीं, सुनने में आ रहा क्या है बस्ती में, नहीं आए बोल गया सुनने में आ रहा, पर हमारे को नहीं मालूम नहीं नहीं होने की वजह क्या है, ये किसी और से लड़ाई हो रही थी, अच्छा किसी से लड़ाई हो रही थी मम्मी, आपस में गाली गुफ्तार हुई, ज़्यादा शोर पुकार रहा था, हॉस्पिटल में से निकले हमारा भाई